सो गाइस, स्कूटी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है अभी, और सामने गाड़ी निकाली जा रही है वहाँ से। इतनी ज़्यादा स्लिप मार रही है ना, इतनी ज़्यादा स्लिप मार रही है ना, दो बार गिरते गिरते बचाओ सीरियसली, और हाथ एकदम दर्द कर रहे हैं इस टाइम पे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी निकलना है मुझे घर की तरफ। सो बाहर का सिस्टम देख लेते हैं। ये देखो पूरा ही सफ़ेद हो रखा है और स्नोफॉल अभी भी हो रही है। अब नहीं पता निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। नीचे चलते हैं स्कूटी वाली साइड, देखते हैं अब। सो भाई ऊपर से देखो पूरे रास्ते में ही बर्फ़ है, नीचे जाके देखते हैं अब। सो भाई ये देखो बाहर का सीन, अभी तक बर्फ़ पड़ रही है और स्कूटी का देख लो पूरी बर्फ़ में लगी हुई है और पूरे पूरे पैर अंदर दस रहे हैं अब। तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं निकल पाऊँगा यार आज भी, जब तक गाड़ी नहीं ना आई रास्ता क्लियर करने के लिए तब तक नहीं मैं निकल पाऊँगा। चलते हैं बाहर, देखते हैं कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। और यहाँ से तो स्कूटी ले जाना एकदम मुश्किल है यार, इस सीन में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ छाते के नीचे, मैं रूम में जाके फिर से ले आया था जाके ये, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है सो इसलिए मैं लेके आ गया। यार बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा है रोड में भी, पता नहीं निकलने के कैसे, हम वो समझ नहीं आ रहा निकलेंगे कैसे। सो गाइस इसको साफ करते हैं थोड़ा, सेल्फी स्टिक से ही मैं साफ कर रहा हूँ इसको। ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लगी हुई है, अभी मेरे को लग रहा है स्टार्ट भी नहीं होगी यहाँ पे, मेरे को लग रहा है स्टार्ट नहीं होगी इतनी जल्दी है। सो गाइस स्कूटी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही अभी, सिर्फ स्टार्ट होगी ना फिर से बंद हो जाएगी, देखना बंद। किक मार के देखते हैं कोई फिर से बंद हो जाएगी। चौक लगा लेता हूँ साथ में, चौक भी जम गई हुई थी, टाइम पास स्टार्ट हो गई यार फिर से बंद। सो गाइस फाइनली वहाँ से अपनी स्कूटी यहाँ तक तो ले आए हैं और मैंने लगी इसको करते 15 मिनट लग गए अभी, जो 3.5-4 घंटे का रास्ता वो कैसे कवर करेंगे। मेन तो सिर्फ 8-9 किलोमीटर कवर हो जाए ना जहाँ तक बर्फ़ है, बस उसके बाद पूरा क्लियर हाईवे पर पहुँच जाए। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं नीचे ढाबे वाली साइड, यहाँ कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं अभी, बाद में जब एक बार निकल गए यहाँ से फिर मैंने कहीं नहीं रुकना, फिर सीधे सांबा जाके ब्रेक लगेगी। यहाँ पे इतनी बर्फ़ नहीं है साइड, बट स्कूटी तभी फंस जाएगी यहाँ पे, अगर फंसेगी भी इतनी बुरी तरीके से ना कि निकलेगी नहीं। और सामने गाड़ी निकाली जा रही है वहाँ से, देखते हैं। सो गाइस इस गाड़ी को धक्के से ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ, पूरे गाड़ी को ना 3-3 मंजिल लगे हैं ऊपर लेने के लिए। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे करके, निकाल देंगे यहाँ से स्कूटी।
ओ भाई स्लिप बहुत तगड़ी वाली लग रही है गाइस जहाँ पे। स्लिप कर रही है गाइस तगड़ी वाली, पैर पूरे नीचे लगाए हुए हैं साथ साथ में, फिर ही निकल रहे हैं। ओह बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, ऐसे अलग ही एक्सपीरियंस है। सो गाइस स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है इस टाइम पे और धीरे धीरे निकाल रहे हैं हम यहाँ से स्कूटी अपनी। इतनी ज़्यादा स्लिप मार रही है ना, इतनी ज़्यादा स्लिप मार रही है ना, दो बार गिरते गिरते बचाऊँ सीरियसली, और हाथ एकदम दर्द कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत स्लिप मार रही है स्कूटी यार सीरियसली। धीरे धीरे निकाल ही देंगे यहाँ से, कोई चक्कर नहीं, सांस चढ़ रही है इतनी ज़्यादा और स्नोफॉल फिर से तेज हो चुकी है। स्लिप मारी थी, देखो स्नोफॉल फिर से शुरू हो चुकी है तेज वाली एकदम। स्नो इसने तो पूरे मजे दिला दिए स्नोफॉल ने, अब कभी नहीं आऊँगा बर्फ में। देखो पैर कैसे रखे हुए मैंने नीचे, कैसे फिर से कोहरा छा रहा है आगे, पर कोई बात नहीं निकाल लेंगे मजे मजे से, हार नहीं माननी है, यही टास्क है आज, धीरे धीरे निकाल ही लेनी है बस, कोई चक्कर नहीं। वहाँ से व्यू देखो एक बार, हम वहाँ से घूम के आएंगे ना नीचे की तरफ। सो चलो गाइस निकलते हैं धीरे धीरे ही, होटल का एक लड़का साथ में ले लिया हुआ है, जहाँ कहीं से भी रुकेगी धक्का लगा देगा। सो गाइस आज मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ ये जो हाल में मैं फंसा हुआ हूँ आप सिर्फ उसी को एंजॉय करो, आगे रास्ता नहीं है यार। हाँ रास्ता नहीं आगे, सो भाइयों वो देखो सामने पूरे नज़ारे दिला दिए बिजनेस स्नोफॉल ने। टाइम कितना हुआ था, 11:12 हो गए, कुछ नहीं पहुँचे, कितना टाइम लग जाएगा मेरे को। चलो चलो गाइस निकल रहे हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, हार नहीं माननी है बस, धीरे धीरे निकलते चलना है। इस टाइम पे ना मेरे पूरे बाजू इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है ना सीरियसली, बट कैसे भी करके मेरे को नीचे पहुँचना ही पहुँचना है आज यार, कुछ भी हो जाए नीचे पहुँचना ही पहुँचना है धीरे धीरे। क्या बात है, ये है जन्नत, यही है गाइस जन्नत, इसी के लिए लोग इतने मरते हैं ना सीरियसली, स्नोफॉल स्नोफॉल। लेकिन सही मैंने कहूँ ना, हम लोग इस चीज़ के लिए इतना वो करते हैं ना स्नोफॉल स्नोफॉल, लेकिन जो बंदे यहाँ पे रहते हैं ना उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना, क्योंकि मैं 2 दिन रह के मेरे को पता लग गया कि क्या हाल होता है स्नोफॉल में। ये सिर्फ पहली पहली बार के लिए ही सही है, दूसरी बार के लिए नहीं। आई थिंक बारिश भी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, लाइट लाइट बारिश भी पड़ रही है साथ में, बारिश पड़ रही है साथ में। सो गाइस अभी ज़्यादा डिफिकल्ट आने वाली है, क्योंकि आगे एकदम चढ़ाई है। इस साइड को धक्का लगा, इस साइड को नहीं, इस साइड को थोड़ा जोर, इस साइड को चलो। मैं जड़ रही यार, पूरा का पूरी रेस दी हुई है, है, है।
सीरियसली कह रहा हूँ, अकेले बंदे का काम नहीं है इसको लेके जाने का बर्फ में। चल मेरे को भी सोलो राइड का एक्सपीरियंस लेना था, मैंने ले लिया। ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला रोड तो कवर हो गया, आगे मेरे हिसाब से थोड़ी सी ढलान हो ना तो एकदम सही रहेगा। सारी की सारी ब्लैक आइस जमी हुई है और ऊपर से जो स्नोफॉल पड़ रही है ना वो और ज़्यादा काम खराब कर रही है। आगे खुल नहीं रही, वाइजर बंद करूँगा ताकि कुछ दिख नहीं रहा। डिफ़िकल्टी तो फिर होती है ना। ओह गई गई गई। इस सड़को मेरे सड़को, हाँ इस सड़को धक्का लगा। बस एक मिनट, इस सर मेरे सड़को। सो गाइस यहाँ पे देख लो, वाह यार क्या हो रहा है यार ये। तो भाई आधा किलोमीटर कवर करते करते ही आधे से पौना घंटा लग गया। और सामने ऊपर देखो स्काई व्यू, पटनी टॉप। यहाँ से गंडोला चलता है केबल कार। और बूट शूज एकदम मेरे गीले हो चुके हैं, स्नोफॉल काम खराब कर रही है ज़्यादा। सीरियसली कह रहा हूँ अकेले बंदे का काम नहीं है यहाँ से। ओह गई गई, इस साइड रखो थोड़ी, इस साइड नहीं बीच में। पूरी की पूरी रेस दी हुई है सीरियसली, लेकिन अभी तक ये देखो देखो पहाड़ से कैसे, उस पेड़ से कैसे बर्फ़ गिर रही है। हमारे ऊपर भी ऐसे गिरी थी तब कैमरा ऑफ था। ये देखो सामने केबल कार लगी हुई है, अरे बस कर तो यार, कितनी स्नोफॉल होगी। अब घर पहुंचने दो सही सलामत, हमको थक गए अब। सो गाइस एक किलोमीटर कवर करने के लिए पूरा एक घंटा। कोई वायर नीचे आई हुई है कोई, ये पता नहीं कौन सी जगह में पहुंचे हैं, बट एडवेंचर काफ़ी तगड़ा हो रहा है आज। ऐसा सोचा नहीं था बट रिस्क भी उतना है और मज़ा भी अपना ही है। जिन बंदों को शौक है ना एडवेंचर का, उन बंदों के लिए तो एकदम सही, एकदम क्या जम्मू नहीं अभी सीधे आना। चल यहाँ से कुद कितनी दूर है, सो गाइस आगे और भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। बहुत गाड़ी लगी हुई हैं आगे भी। लोग भी देख रहे हैं हमको कि कितने बड़े पागल हैं ये। हाँ? स्कूटी पूरी की पूरी स्किड कर रही है।
वो देखो गाड़ी आ गई ना, कम से कम वो चली ही नहीं ऊपर आगे, चली चली ही नहीं फिर। वो देखो आगे, और एक गाड़ी धीरे धीरे आगे लेके चले गए हैं। वो हमारी स्कूटी का नंबर है। वो गाड़ी कितनी आगे ले गए, हमारे पीछे फॉर्च्यूनर आ रही है इस मैट की मदद से। वो वाली गाड़ी को थोड़ी थोड़ी आगे लेके चले गए मैं। हो जाओ भैया जी साइड थोड़ा सा। पेड़ से ना ऊपर से बर्फ भी अच्छी खासी गिर रही है। ओ भाई मजा आ रहा है सीरियसली, असली एडवेंचर करने का मजा आ रहा है। वो देखो ऊपर से बर्फ गिर रही है ऊपर से। यहाँ पर फिर से रुक गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बंदे लगे हुए हैं गाड़ी को निकालने में। वो गाड़ी स्किड कर गई पूरी पूरी, इस साइड को होगी पूरी। तो गाइस रोड के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ से बर्फ वगैरह तो हटा दी है बट स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा है। हैं कितनी दूर है थले चक्कर के अद्धर से फंसी जाने को दे मैं दे। फिर नहीं होना काम। वीडियो अपलोड की थी? हाँ होगी थी, होगी थी। यहाँ से ले जाऊंगा यार मैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से ले जाऊंगा यार मैं, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ से ले जाऊंगा यार मैं, कोई चक्कर नहीं है। सो गाइस कैमरा मैंने बीच में ऑफ कर दिया था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। अभी मैं पहुंच चुका हूँ उधमपुर, क्रॉस किया जैसे अभी मैंने, तो आधे पौने घंटे के अंदर मैं अपने घर पहुंच जाऊँगा। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, पैंट सिर्फ पूरी गीली हो चुकी है, बाकी मैंने रेन जैकेट डाली थी तो उसकी वजह से मेरे कपड़े थोड़े बच गए हैं, बाकी बैग वगैरह तो सब कुछ गीला हो गया। सो गाइस फाइनली साबा पहुंच चुका हूँ। अभी टाइम वगैरह कुछ नहीं पता मेरे को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो चुका है। सो अभी घर पे जाके ना घर वालों का रिएक्शन देखते हैं, उनको ने उनको नहीं लगता होगा कि मैंने आज घर पे पहुंचना था इतनी ज़्यादा, क्योंकि किस मतलब सारे रास्ते बंद थे, पता नहीं कैसे कैसे मैं पहुँचाऊँ घर पर इतनी बारिश में और इतनी बर्फ में। अभी घर वालों का रिएक्शन देखते हैं, उनको मैंने सुबह से एक कॉल भी नहीं किया अभी तक। पुजी ना पुजी है, फिक्र नहीं पी गया, फिक्र नहीं पीता फोन नहीं होगा कोई भी। ठीक ठाक हाँ जी अच्छा रिपे